Hello students, the topic for today is working memory. Working memory, this model was given by Ellen Bentley and Graham Hitch in the year 1974. अब ये working memory क्या है? अब हमने short term memory already पढ़ा है. Short term memory में working memory को short term memory का ही part बोला जाता है. Short term memory में हमने पढ़ा कि ये एक storage system है. इसमें कुछ time के लिए information आपके mind में रहती है, उसके बाद आप भूल जाते हो. You forget it. तो साइकोलॉजिस्ट लाइक ये बैडले एंड हिच को ऐसा लगा कि इतना सिंपल नहीं है शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत कुछ और भी होता है. वो बहुत कुछ ये मेमोरी एक्टिव मेमोरी है. शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत पैसिव मेमोरी नहीं है. तो आजकल शॉर्ट टर्म मेमोरी को इंटरचेंजेबली वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है. वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी को ऐसे ही सेम यूज किया जाता है एज अ सिनोनिम. बट थोड़ा सा फर्क है कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में बात करते हैं सिर्फ स्टोरेज की, पर वर्किंग मेमोरी में हम बात करते हैं स्टोरेज एज वेल एज यूज की, एज वेल एज मैनिपुलेशन की. हम एक्टिव मेमोरी इन एक्शन की बात करते हैं वर्किंग मेमोरी में. हम बात करते हैं वर्किंग मेमोरी में कि ये एक सिंगल स्टोरेज यूनिटरी सिस्टम नहीं है. वर्किंग मेमोरी जो है मल्टी स्टोर सिस्टम है. हमने जो फोन नंबर की जो हमने एग्जांपल ली थी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वही बात हम ऐसे करते हैं. उसकी ही एग्जांपल हम वर्किंग मेमोरी में भी ले सकते हैं कि आप फोन नंबर ना भूलो. आपको कोई किसी ने फोन नंबर बोला या कोई ईमेल एड्रेस बोला किसी ने आपको, या जिसको आपको याद रखना है और आपके पास कोई कोई चीज नहीं है उसको मेमोराइज करने के लिए ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तो आप उसको कैसे, आप उसको रिहर्स कर करके याद करते हो. तो इसका मतलब इतना पैसिव नहीं है शॉर्ट टर्म मेमोरी. तो यहाँ से ही वर्किंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट निकला कि इतने सिंपल नहीं है. ये एक सिंगल स्टोरेज सिस्टम नहीं है, ये एक मल्टी स्टोर सिस्टम है. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन आवर मेमोरी. तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए ये बैटले एंड हिच वर्किंग मेमोरी का. आपने भी डेली लाइफ में भी आपने कई एग्जाम्पल कई बार देखा होगा कि आप कई सारी चीजें बहुत सारी चीजें आप करते हो. आप कोई डिबेट सुनते हो, तो डिबेट में जब आप सुन रहे होते हो या डिबेट आप कर रहे होते हो, टीवी में भी आपने डिबेट देखी होंगी और करते भी होंगे, तो उसमें भी आपने आपने देखा होगा कि जब आपने किसी से डिबेट करनी है तो आपने आपने दूसरे का आर्गुमेंट सुनना भी है और अपने ही आर्गुमेंट को भी याद भी रखना है कि इसने ये बात बोली, उसको रिकॉल करते हो. एट द सेम टाइम आपने अपना अपना पॉइंट भी याद रखना होता है कि मैंने किस किस तरह इसको काउंटर करना है, किस तरह से मैंने इसको किस तरह से मैंने अपना पॉइंट आगे रखना है. इसको कहते हैं वर्किंग मेमोरी, अ मेमोरी इन एक्शन. यू आर रिकॉलिंग, एट द सेम टाइम यू आर मैनिपुलेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन, यू आर यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन, यू आर डीलिंग विद इट, यू आर टैकलिंग योर इन्फॉर्मेशन, यू आर इन एक्टिव स्टेट. ये होती है आपकी वर्किंग मेमोरी. Working memory is defined as the maintenance and controlled manipulation of a limited amount of information before recall. Right? So this is working memory. आप respond भी कर रहे हो किसी information को और आप उसको याद भी रख रहे हो. Fine? अब मैंने आपको difference तो already बताई दिया STM and working memory में. दोनों ज़्यादा time तक attention नहीं रखते. STM सिर्फ retain करता है information को, working memory maintain भी करती है, retain भी करती है, store तो करती ही है, as well as manipulate भी करती है. Fine? अब हम बात करते हैं working memory के different systems की. There are three different systems for different type of information. Different types of information हमें मिलती है, उनके लिए तीन different system है. ठीक है, तो पहला system है central executive. Central executive को समझने के लिए आप देखिए, जैसे एक boss होता है वैसे ही central executive काम करता है. जैसे boss एक organization में काम करता है वैसे ही central executive काम करता है. Boss पूरे system को चलाता है, तो central executive भी हमारे पूरे system को चलाता है, drives the whole system. Central executive लाइक बॉस अपने डिफरेंट सबसिस्टम्स को काम देता है, अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को काम देते हैं. बॉस लोग वो लिमिटेड काम करते हैं पर काम करवाते हैं. ऐसे ही ये भी काम कम करता है बट अपने डिफरेंट जो इसके सिस्टम्स हैं उसके अंडर जो हैं उनको ये काम देता है. फोनोलॉजिकल लूप को जब उससे रिलेटेड कोई काम आता है तो फोनोलॉजिकल लूप को काम देता है. जब विजुअल स्पेशल स्केच पैड जैसा कोई काम आता है तो उनको उनका काम देता है. इस तरह से ये अपने जो इसके जो सब सिस्टम्स हैं, इसके जो स्लेव सिस्टम्स हैं उनको ये काम देता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग में रोल प्ले करता है. आप सपोज आप ड्राइव कर रहे हो इमीडिएट और आप एट द सेम टाइम आप फोन पे बात भी कर रहे हो किसी से, सामने ट्रैफिक आ जाता है, आपको एकदम से ब्रेक लगानी पड़ती है या कुछ सीरियस कुछ कुछ होता है तो इमीडिएटली आप फोन बंद कर देते हो और अपना
कॉन्सेंट्रेशन आप अपनी ड्राइविंग पे रखते हो, वो आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का रोल उसमें आता है, वो आपको बताता है कि सी इस समय ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो, वो चीज वो काम आप मत करो। तो ये हमारी अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग में रोल प्ले करता है, और ये प्रायोरिटी देता है, इसको समझ में आता है कि ये चीज़ की प्रायोरिटी है, इस पे काम कीजिए, इसकी प्रायोरिटी नहीं है, इस पे काम मत कीजिए, इग्नोर कीजिए। तो ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट इज फोनोलॉजिकल लूप। फोनोलॉजिकल लूप इट डील्स विद स्पोकन एंड रिटन मटेरियल। फोनोलॉजिकल व्हाट इज फोनोलॉजी? फोनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साउंड्स इन स्पोकन लैंग्वेज। साउंड्स की स्टडी को बोलते हैं फोनोलॉजी, वहीं से ये वर्ड आया है। अब ये डील करता है स्पोकन एंड रिटन मटेरियल से, ये तो आप पढ़ के ही समझ सकते हो। फोनोलॉजिकल इसके दो पार्ट्स हैं, फोनोलॉजिकल स्टोर एंड आर्टिकुलेटरी कंट्रोल प्रोसेस। फोनोलॉजिकल स्टोर क्या करता है, ये आपकी जो इंफॉर्मेशन जो होती है, जो स्पीच बेस्ड फॉर्म में होती है, जो स्पोकन फॉर्म में होती है, उसको ये स्पीच परसेप्शन को उसको ये परसीव करता है, उसको ये होल्ड करता है मैक्सिमम 2 सेकंड के लिए। आपकी जो स्पीच बेस्ड फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको ये 2 सेकंड तक अपने अपने ये स्टोर करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्पोकन वर्ड्स हैं वो तो डायरेक्टली स्टोर में एंटर हो जाते हैं, पर ऑन द अदर साइड जो रिटन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपने कुछ रीड किया, व्हेन यू रीड समथिंग, तो आप उसको उसको आपको एक कोड में बदलना होता है, उसको आपको आर्टिकुलेटरी या स्पोकन कोड में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद ये फोनोलॉजिकल स्टोर में एंटर होते हैं। फाइन, तो फोनोलॉजिकल स्टोर क्या करता है, ये स्पीच बेस्ड जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको ये होल्ड करता है मैक्सिमम 2 सेकंड्स के लिए, ठीक है। और आर्टिकुलेटरी कंट्रोल प्रोसेस ये क्या होता है, इसका ये लिंक करता है स्पीच प्रोडक्शन से। जब जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की, फोनोलॉजिकल स्टोर में जो इंफॉर्मेशन आई, जो आपने सुनी, उसको ये रिहर्स करता है बार बार, उसको ये रिवर्स करता है कि आप भूल ना जाओ। जैसे कि एक एक टेप लूप आपने सुना होगा, जो जो आपने रिकॉर्डिंग में देखा होगा कि कॉन्टिन्यूसली रिपीट होती रहती है, एक इको इफेक्ट आता है, जो एक साउंड को जो बार बार रिपीट होती रहती है, सीक्वेंस ऑफ साउंड्स या साउंड जब रिपीट होते रहते हैं उसको हम बोलते हैं टेप लूप। मीन्स वो बार 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 एक लूप की तरह बन जाता है। तो इसी तरह हम भी ऑटिकुलेटरी कंट्रोल प्रोसेस भी यही काम करता है, ये इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करता है राउंड राउंड राउंड, किसकी तरह, टेप लूप की तरह, बार 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 उसको एक एक सर्कुलेट करता है इंफॉर्मेशन को, जैसे कि एक टेप लूप में होता है, रिपीट करना एक चीज को बार बार, रिपीट करते रहना, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेटरी कंट्रोल प्रोसेस। तो दिस इज फोनोलॉजिकल लूप। इंफॉर्मेशन को इट डील्स विद स्पोकन एंड रिटन मटेरियल एंड इट हैज टू पार्ट्स। नेक्स्ट है आपका विजुअल स्पेशल स्केच पैड। विजुअल स्पेशल स्केच पैड जो विजुअल और स्पेशल इंफॉर्मेशन से डील करता है, हम कहाँ हैं, हमारी सिचुएशन, हमारी पोजीशन क्या है इन इन आवर एनवायरमेंट, इन आवर स्पेस, उससे ये विजुअल स्पेशल स्केच पैड इससे डील करता है। आप इट कीप ट्रैक ऑफ वेयर यू आर इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट्स एज वी मूव थ्रू आवर एनवायरमेंट। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे आपका कोई फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, वो आप आपके आपके सिटी में आया और उसको आपके घर पहुंचना है, तो जिस तरह से आप उसको डायरेक्शंस देते हो, जिस तरह से आप उसको रास्ता बताते हो कि इधर आपने आपने स्ट्रेट आना है, फिर आपने राइट मुड़ना है, फिर आपने लेफ्ट मुड़ना है, जिस तरह से आप उसको रास्ता बताते हो, उसको डायरेक्शंस देते हो, इसका ये विजुअल स्पेशल स्केच पैड, इसका यू आर यूजिंग विजुअल स्पेशल स्केच पैड इन दिस। आप अपने माइंड में इमेज बनाते हो। जब आपसे कोई पूछता है कि आप मुझे अपने अपने अपना लेआउट बताइए, आपके आपके रूम का, आपके अपार्टमेंट का, आपके सिटी का, जिस तरह से आप अपने अपने माइंड में वो जो इमेजेस जो पोजीशन करते हो कि ये यहाँ है, ये चीज यहाँ है, उसका क्या मतलब है कि आप विजुअल स्पेशल स्केच पैड को यूज कर रहे हो। आप कोई इमेज देखते हो, कोई पेंटिंग देखते हो, आप उसकी पोजीशनिंग बताते हो, ये वॉल पे कहाँ है, वो उसकी पोजीशन कहाँ है वॉल में, वो राइट साइड पे है, राइट लेफ्ट साइड पे है, अपर कॉर्नर में है, जिस कॉर्नर पे भी वो है, तो आप क्या यूज कर रहे हो, विजुअल स्पेशल स्केच पैड यूज कर रहे हो जब आप इस तरह की इंफॉर्मेशन बताते हो, ठीक है। इट डील्स विद योर विजुअल एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन। आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर्स, सेलर्स, ये सब इनको यूज करते हैं, विजुअल स्पेशल स्केचपैड को यूज करते हैं, राइट। इसके बाद है आपका एपिसोडिक बफर। एपिसोडिक बफर क्या करता है, एपिसोडिक बफर बैकअप स्टोर है, ये सबसे इंफॉर्मेशन लेता है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी इंफॉर्मेशन लेता है, ये वर्किंग मेमोरी से भी इंफॉर्मेशन लेता है, ये सेंसरी मेमोरी से भी इंफॉर्मेशन लेता है। सबसे इंफॉर्मेशन लेकर ये हमारी मेमोरी को एक सीक्वेंस में
बाइंड करता है, ये इंफॉर्मेशन को बाइंड करता है एक सीक्वेंस में। जब हम आपसे कोई आपकी कोई मेमोरी के बारे में पूछते हैं, हम आपसे जब कोई आपकी कोई हैप्पी मेमोरी के बारे में डिस्कस करते हैं, या आप जब आप याद करते हो कि मेरी ये हैप्पी मेमोरी थी, ये मेरी सैड मेमोरी थी, तो आप उसको आप एक सीक्वेंस में याद करते हो कि कब क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या होता है। सेंस ऑफ टाइम होता है इसमें, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, विद अ सेंस ऑफ टाइम। इसके कारण आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में आपको नजर आती है। आपकी जो मेमोरी है वो फ्रेगमेंटेड नहीं होती, आपकी जो मेमोरी है वो कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस में होती है। वो इवेंट्स होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेटेड होते हैं, वो सीक्वेंशियल फॉर्म में होते हैं। इसलिए ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका इसमें किसका रोल है, इसमें एपिसोडिक बफर का रोल है। ठीक है, आपको स्टोरी पढ़ते हो, जैसे आपकी मेमोरी भी एक स्टोरी की तरह आपको आपको फॉर्म में नजर आती है। मूवी, जैसे कि मूवी देख रहे हो, इस तरह से आपको कोई भी मेमोरी अपनी आपको एक सीक्वेंस में नजर आती है बिकॉज ऑफ एपिसोडिक बफर। तो ये था हमारा वर्किंग मेमोरी, आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगेन मैं आपको फिर से एक बार याद करा रही हूँ, अगर आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही और ऐसे और इससे भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊं, तो प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।